वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में एक मैसेज है। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले वीडियोस में एनसीईआरटी क्लास 5 एनवायरनमेंट के सभी चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। वो 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसमें सारे चैप्टर्स डिस्कस कर दिए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम क्लास 4th के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। इसमें जो जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सीटेट उनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चलो चलें स्कूल। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बेसिकली हर एक स्टेट तो नहीं कह सकते, लेकिन मेनली जो ईस्टर्न और साउथ में जो बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं, इसमें यही बताया गया है कि बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये असम है और असम में जो बच्चे किस तरीके से स्कूल जा रहे हैं आप इस फिगर में देख रहे हो। यहाँ पर बांस से बना पुल होता है, बांस से बना पुल होता है और बांस से बने पुल पर बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये लोग बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। जैसा कि आपको पता है कि असम में अक्सर बारिश होती रहती है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि वहाँ पर बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं, तो बांस से बने हुए पुल से स्कूल जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और हम देखें लद्दाख में बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रॉली, जो आपको दिख रही है देखो तो फिगर में, ये ट्रॉली दिख रही है ना। तो होते क्या है, जैसे मान लीजिए एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ भी पहाड़ है और बीच में कोई नदी बह रही है, तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए ये लोग ट्रॉली का यूज करते हैं। ट्रॉली आपने देखी होगी इस तरीके से, इसमें एक रस्सी बंधी होती है और रस्सी में नीचे ट्रॉली लटकी होती है। इस ट्रॉली के बीच में बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी नदी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी, कोई लोहे की रस्सी दिखाई दे रही है आपको, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला, ट्रॉली जो होती है लकड़ी से बना हुआ होता है, पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार, ठीक है। तो ये इस तरीके से लद्दाख में बच्चे स्कूल जाते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर देखो, सीमेंट का पुल, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे यूपी में या कहीं और भी, मेनली जो है सीमेंट के पुल भी बने होते हैं, बच्चे सीमेंट के पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। तो ये फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए दो चीज़ इम्पोर्टेंट थी, असम के बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं और लद्दाख के बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर देखो, केरल में बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं। केरल में बच्चे वल्लम जो कहते हैं वो लकड़ी की बनी हुई नाव होती है, ठीक है। केरल के कुछ भागों में पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखो राजस्थान में किस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं, राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी पे बैठकर, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें ध्यान रखना। इसके अलावा जो मैदानी इलाका होता है, मैदानी इलाके में आपने देखा होगा बच्चे बैलगाड़ी पर बैठ के स्कूल चले जाते हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, मोटरसाइकिल या वैन वगैरह आ गई हैं, लेकिन पहले की ये बात करी जा रही है, पहले बच्चे गांव में जो बच्चे हुआ करते थे वो बैलगाड़ी वगैरह से स्कूल जाया करते थे, मैदानी क्षेत्रों के बच्चे। इसी तरीके से हम देखें साइकिल की सवारी। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ तो साइकिल बच्चों को दे दी गई, जब बच्चे बड़े होते हैं तो साइकिल उनके माता पिता उनको थमा देते हैं, तो बच्चे साइकिल से भी स्कूल जाते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये है जुगाड़, ठीक है। जैसे मान लो स्कूल काफ़ी दूर होता है तो बच्चे क्या करते हैं, एक तरीके से या तो बच्चों की वैन लगाई जाती है या फिर देखो इस तरीके से छोटी मोटी जुगाड़ होती हैं। तो यहाँ पर देखो ये मोटरसाइकिल है, बेसिकली मोटरसाइकिल के पीछे एक तरीके से उन्होंने जुगाड़ टाइप की कर ली है, ठीक है। तो इस पर बच्चे बैठ करके स्कूल चले जाते हैं। इसके अलावा हम देखें जंगल से जाते हुए बच्चे, कहीं कहीं तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं, जैसे आप देख लो सिक्किम का है, अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बीच कहीं कहीं तो बच्चे बीच घने जंगल के बीच में से बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा उत्तर की पहाड़ियाँ जैसे श्रीनगर जम्मू में बच्चे क्या होते हैं, बर्फ़ के ऊपर से चलते हुए स्कूल जाते हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड में हम देखें तो उत्तराखंड में
मैदानी इलाके जो होते हैं, जैसे ऊबड़ खाबड़, सॉरी मैदानी इलाके कह रहा हूँ, पहाड़ी इलाके जो होते हैं उसमें ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं, ठीक है, जिसमें मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चे को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार करते हैं। तो वहाँ के बच्चे जो है भागते हुए यहाँ पर से आराम से ले जाते हैं। हो सकता है कि जो बच्चे मैदानी इलाके को हो वो यहाँ पर ना चल पाए, लेकिन वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनकी हैबिट बन जाती है, वो आसानी से पार कर जाते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़े तो हम यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर में बस यही चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब हम बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है कान कान में। अब देखो इस चैप्टर में बेसिकली क्या बताया गया है, इसमें जानवरों की कुछ विशेषता बताई गई है कि किन जानवरों के कान होते हैं, किन जानवरों के कान नहीं होते, कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं, तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जानवरों की सूची दी गई है और इनमें से आपको बताया गया बताना है कि जानवरों में से किन के कान तुम बाहर से देख पाते हो, किन के नहीं। तो यहाँ पे हिरण के कान हम बाहर से देख सकते हैं, मेंढक के हम यहाँ पे नहीं देख पाते, मछली के भी हम बाहर से नहीं देख पाते, चींटी के भी नहीं देख पाते, कौवे के भी नहीं देख पाते, चीता के देख सकते हैं, चिड़िया के नहीं देख पाते, भैंस के देख सकते हैं, सांप के नहीं देख पाते, छिपकली के नहीं देख पाते बाहर से, सुअर के देख सकते हैं, बतख के नहीं देख पाते, जिराफ के देख सकते हैं, हाथी के देख सकते हैं, बिल्ली के देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो पक्षियों के भी कान होते हैं लेकिन वो कान जो होते हैं वो मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, छेद के फॉर्म में, तो वो उनके बालों से ढके रहते हैं, उनके जो ऊपर जो बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो उससे ढके रहते हैं। तो इसी तरीके से पक्षियों के भी कान होते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। इसी तरीके से आप छिपकली की बात करें तो छिपकली के भी छोटे से कान होते हैं। और हम यहाँ पर देखें तो इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता करना है कि कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा जा गया है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक चीज और है कि यहाँ पर देखो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, चीता है। तो ये इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। यहाँ पर जो इस चैप्टर में कहानी बताई गई है वो नंदू हाथी, एक हाथी का बच्चा होता है, उसकी कहानी बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस हाथी के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है। इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर अपनी कान हिला करके हवा कर लेता है। तो आपको पता है कि जो बच्चा जो 3 महीने का बच्चा होता है हाथी का, उसका वजन जो होता है लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाथियों के झुंड में केवल हथनिया और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनिया और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल की तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे अपना झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू जब भी 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे सीटेट के क्वेश्चन बने हुए हैं, इनको नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा और इस चैप्टर में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आपको नोट कर लेना है। अब हम मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अमृता की कहानी, जो अगला चैप्टर है वो है अमृता की कहानी। ये बेसिकली राजस्थान की कहानी है और इसमें बताया गया है कि अमृता राजस्थान के जोधपुर में रहती है।
गांव से गांव में रहती है, खेजड़ली गांव की रहने वाली है। खेजड़ली गांव का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे बहुत से खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष होते थे, इसलिए इसका नाम जो है खेजड़ली पड़ा। ठीक है, इसके बाद देखें कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि जो खेजड़ली गांव है वहाँ पे आपको पता है कि खेजड़ी नामक वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनकी रक्षा करने के लिए जो लोग होते हैं उनको हम बिश्नोई कहते हैं। तो बिश्नोई क्या करते हैं? पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है, खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं, इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत बच्चे भी खेलते हैं, तो एक तरीके से ये छाया भी देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब हम मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। देखो ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता एक लड़की है जो मधुमक्खी का पालन करती है, और यहाँ पर अनीता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए मेरा नाम अनीता कुशवाहा है और मैं मुजफ्फर जिले के बोचहा गांव में रहती हूँ, जो कि कहाँ पर है? बिहार में है। तो यहाँ पर बताया गया है उसके स्ट्रगल के बारे में। इसके घर में माँ, पिताजी और दो छोटे भाई हैं। ये कॉलेज में पढ़ती है और स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती है। मधुमक्खी पालने का काम भी साथ साथ में ये कर लेती है। इसके अलावा देखो अगर आप इसके बारे में बात करें तो अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा यानी स्टार गर्ल है। ठीक है, स्टार गर्ल क्यों है? क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, खुद से पैसे इकट्ठे किए, और खुद से ही पैसे इकट्ठे करने के बाद में मधुमक्खियों का बिजनेस चालू किया। तो यहाँ पर देखो बेसिकली ये चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर ये है। ये देखिए यहाँ पर जीरा आरटीई अधिनियम 2009। आरटीई अधिनियम 2009 में क्या है? 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार प्रदान करता है, आरटीई अधिनियम 2009। और यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये काम कर लूँ, मतलब मधुमक्खियों के पालन का काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय यही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है, लीची के फूल फरवरी में आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो लीची के फूल कब आते हैं? फरवरी में आते हैं। अब यहाँ पर देखो और क्या इम्पोर्टेंट है, और ये देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, इससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि ये रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालने का भी काम इन्हीं का होता है। ये ना होता तो छत्ता ना बनते और ना ही शहद इकट्ठा होता। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती, मतलब मादा मक्खी काम करती है। और यहाँ पे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको दिख रही होगी, मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर काम रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है, रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक ले जाती हैं। इस तरीके दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बना था सीटेट ने, क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सी चीज़ समूह में नहीं रहती। तो देखो मधुमक्खी समूह में रहती हैं, चींटियाँ रहती हैं, दीमक रहती हैं, ततैया रहती हैं, लेकिन मकड़ी जो था मकड़ी समूह में नहीं रहती। ये चीज़ आपको ध्यान रखना था। तो ये चीज़ ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए ये चैप्टर है, ये है आपका चैप्टर का नाम है ओमना का सफर। ओमना का सफर, इसमें ओमना एक लड़की है और उसने अपने सफर के बारे में यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से उसने अपने सफर का उसका अनुभव क्या रहा था।
तो इस चैप्टर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक चीज यहाँ पे देख लेते, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो आपसे पूछ ले। यहाँ पर वालसाड़ स्टेशन, वालसाड़ स्टेशन कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में, आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ तो यहाँ पर देखो, बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध, ये जो है बटाटा बड़ा कहाँ मिलता है, तो ये ध्यान रखना वालसाड़ स्टेशन पर मिलता है। ठीक है, ये हो गया इम्पोर्टेंट। इसके अलावा ये देखो, गांधी धाम, अहमदाबाद और वालसाड़, ये तीनों कहाँ पर है? गुजरात में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में। तो ये चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, और बाकी कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। और आज मैंने इस